फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के लुसेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे सेवेंथ एक्सरसाइज पादप उत्तक, जिसे हम प्लांट टिश्यू भी कहते हैं। और इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिया है विभिन्न सब्जेक्ट के विभिन्न लेसन का, तो अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ उसे भी देख लेना, सब बेनिफिशियल है आपके लिए। देखो, पहला स्टार्ट करते हैं। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है वो कौन सा होता है? कैम्बियम। कैम्बियम। फिर है व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होता है, तो व्यापारिक कॉर्क जो होता है वो भी होता है कैम्बियम से ही, कॉर्क कैम्बियम से। फिर है नेक्स्ट हमारा, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो वो जो विभिन्न का खाद्य पदार्थ की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, खाद्य पदार्थ किससे पहुँचता है? फ्लोएम से पहुँचता है। देखो, एक होता है जैलम, एक होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम एफ से स्टार्ट है, तो आप एफ से फूड समझो, ठीक ना, और जैलम जे से स्टार्ट है तो उसको जल समझो, तो कन्फ्यूज नहीं होगा। जैलम जल ले जाता है और फ्लोएम फूड ले जाता है, इसका क्या हो जाएगा? फ्लोएम। नेक्स्ट है, पादप में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो आसानी से हम कर पाएंगे, जैलम के द्वारा। फिर है, वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, तो किसके कारण? उसके बलाई की रिंग, एनुअल रिंग के कारण, वार्षिक बलाइयों के आधार पर, ठीक ना, वार्षिक बलाइयों के आधार पर उसका हम पेड़ का आयु ज्ञात करते हैं, इसको एनुअल रिंग भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। फिर है, वायु तक पाया जाता है, एरेंचियमा किसमें पाया जाता है? हाइड्रोफाइट्स में, हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है एरेंचियमा या वायु तक। फिर है, आर्किड या आर्चिड्स कहा जाता है उसको, के विलोमन उत्तक पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? मूल में, मूल मीन्स जड़ में मेनली पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसको सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है, मीन्स किसके सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनता है? तो अंतरम्भीय एधा की, अंतरम्भीय एधा की। देखो, याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बार बार अगर आप देखते रहोगे ना तो आप को आसान हो जाता है, मीन्स आप ऑप्शन देख एलिमिनेट कर पाओगे और बना पाओगे। फिर समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक बलाय नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अस्पष्ट जलवायु भी विभिन्नता नहीं होती है, वहाँ पे एक जैसा मौसम होता है, जिसके कारण क्या होता है उसमें एनवर्डिंग नहीं होता है। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि किस पार्ट के इलाके में वन में एनवर्डिंग नहीं होता है? तो समुद्र तटीय इलाके में। नेक्स्ट हमारा, वह वृक्ष के पुराने तने को अनुप्रस्थ काट में 50 वर्षीय बलय मिलते हैं, तो वृक्ष की आयु की गणना क्या होगी? तो आयु की गणना क्या होगी? 50 वर्ष, मीन्स एक साल में एक रिंग बनता है उसका, तो 50 बलय रिंग बना है, मतलब 50 वर्ष का होगा। फिर है, यदि सन 1985 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील बोर्ड पर 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई है, सन 1998 में वह कील की ऊंचाई कितनी होगी यदि वृक्ष प्रतिवर्ष 4 इंच की लंबाई से बढ़ता है? देखो, उसका मोटापा बढ़ रहा है और पेड़ आगे बढ़ रहा है, तो कील की ऊंचाई उतनी ही रहेगी, कितना होगा? 5 फीट। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन हाइट कभी नहीं बढ़ेगा उसका, ठीक ना, तो 4 फीट ही होगा, सॉरी 5 फीट ही होगा। फिर जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? तो उसका तैरने का मुख्य कारण क्या है? उसमें क्या होता है? वायु तक होता है। नेक्स्ट है हमारा शीर्षस्थ विभाज्योत्तक उत्तरदायी होता है, किसका उत्तरदायी होता है? लंबाई में वृद्धि के लिए, लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। फिर रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धसे होते हैं मरुद विद्धों में, किसमें धसे होते हैं? मरुद विद्धों में। फिर है, शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती है, निम्न के कारण से, किसके कारण होता है शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती है? तो वो होता है कॉर्क के बाहर विलगन परत के बन जाने से, कॉर्क के बाहर विलगन परत बन जाने से उसकी पत्तियां झड़ जाती है। जब देखो, ऑटोमेटिक अगर पत्ती गिरेगा तो उसमें से जो आप एक मीन्स वेट मीन्स भींगा जैसा आपको नहीं नजर आएगा, लेकिन आप अगर किसी का पत्ती तोड़ देते हो तो उसमें से पानी जैसा कुछ लिक्विड निकलता है, तो वही क्या होता है? वो कॉर्क के बाहर से वो बिलगन परत बन जाता है और जिसके कारण पत्ती टूट जाता है। नेक्स्ट है हमारा, विलामेन या विलामेन की आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता क्यों होती है? नमी के अवशोषण के लिए,
विलामिन का आवश्यकता क्यों होता है? नमी के अवशोषण के लिए। फिर यह पार्श्व विभाज्य तक उत्तरदायी होता है, किसके लिए? मोटाई में वृद्धि के लिए। पेड़ का जो मोटाई बढ़ता है वो किसके कारण? पार्श्व विभाज्योतक उत्तर के कारण, पार्श्व विभाज्योतक के कारण पेड़ का मोटाई में वृद्धि होता है। तो इस मीन्स पादप उत्तक जो था प्लांट टिश्यू, इसमें 17 प्रश्न ही थे, तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।